अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। ओपन योर बुक मैथमेटिक्स। इट इज़ यूनिट नंबर 1। वी विल कवर टू टॉपिक्स, ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन 3 सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर 2 और 3 सेट्स। सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन 3 सेट्स। हमारे पास 3 सेट हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। हमें इनकी यूनियन बनानी है। तो किस तरह यूनियन बनेगी? ए की यूनियन बनेगी ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो ए के एलिमेंट्स हम बाहर रखेंगे और फिर उसको यूनियन बनाएंगे। बी और सी के जो एलिमेंट्स हैं वो हम साथ में मिला देंगे, और जो एलिमेंट्स बी और सी में कॉमन हैं वो एक मरतबा लिखे जाएंगे, दो बार नहीं लिखे जाएंगे। तो ये ए सेट और ये बी यूनियन सी, ये दूसरा सेट जो है वो यूनियन दोनों का मिलाकर लिखेंगे। सो ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, अब इन सबके जो हैं एलिमेंट्स हम जोड़कर एक ही मरतबा लिख देंगे। तो इस तरह इसका ये सॉल्यूशन होगा। अब नंबर 2 है ए यूनियन बी ब्रैकेट ओवर यूनियन सी। तो अब यहाँ जो ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने रखा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए और बी को हमने जोड़ दिया, जो इनके अंदर कॉमन है वो हमने एक मरतबा लिए, और इन सबके ए बी सी और ये बी सी डी ई, तो ये दोनों के जो कॉमन लिए जाएंगे तो ए बी सी डी ई हो जाएंगे, और यूनियन और ये सी के जो एलिमेंट्स हैं सी डी ई एफ एच। और फिर इसलिए जो है, फिर जब इन तीनों का एक यूनियन बनेगा तो ये पहले सेट और दूसरे सेट में कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे वो वन टाइम लिए जाएंगे। अब ये हो जाएंगे ए बी सी, सी यहाँ भी है और इस सेट में भी है, इसलिए एक मरतबा लिया जाएगा डी ई एफ एच। तो इस तरह जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद ए यूनियन, अब ब्रैकेट में बी इंटरसेक्ट सी है। अब अगर इस तरह से हो बी इंटरसेक्ट सी, तो हम ए एलिमेंट्स लेंगे सेट ए के और यूनियन बनेगी सेट बी इंटरसेक्ट सेट सी। अब इनके इंटरसेक्ट जो हो, अब कौन कौन से हैं, सी सी डी डी ई ई, तो ये 3 इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी सी का इंटरसेक्ट, यानी जो दोनों में कॉमन है वो इंटरसेक्ट होंगे। इंटरसेक्शन करने के बाद अब हम इनको यूनियन बनाएंगे। अब इनकी यूनियन किस तरह से होगी? ए यूनियन, अब इनका जो रिज़ल्ट होगा वो इसके साथ यूनियन में आ जाएगा। अब इसका जो इंटरसेक्ट था वो सी डी ई था, और इसमें क्या है, बी और सी। तो अब ये हो जाएगा ए बी सी डी, क्योंकि अब ये यूनियन हो गया, अब ये इंटरसेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट सिर्फ इसके अंदर था, यानी ब्रैकेट के अंदर। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है ए यूनियन बी, उसके बाद इंटरसेक्ट, फिर ए यूनियन सी। अब ए के एलिमेंट्स यूनियन बी के एलिमेंट्स, फिर ब्रैकेट ओवर इंटरसेक्ट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ए के एलिमेंट और फिर सी के एलिमेंट, इन दोनों का यूनियन बनाना है। अब यहाँ हमने कर्ली ब्रैकेट्स में ए और बी की यूनियन बना लिया, और इस तरफ हमने ए और सी का यूनियन बना लिया। अब इनका इंटरसेक्ट होगा, यानी इनमें से सिर्फ वो बाहर आएंगे जो कॉमन होंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट, इनका इंटरसेक्ट, यानी यहाँ ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो इनको वन टाइम लिया जाएगा। डी ई यहाँ भी है और यहाँ डी ई यहाँ भी है, तो इनको भी एक दफ़ा लिया जाएगा। एफ एच यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो इंटरसेक्ट में सिर्फ वो होते हैं जो सिमिलर हों, तो इसलिए इनको सिमिलर को हमने अलग कर दिया। अब ये ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी, ये रिज़ल्ट आ गया इसका। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर 2 और 3 सेट्स। अब प्रॉपर्टीज़ मालूम करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी दोनों इक्वल होने चाहिए। आइए देखते हैं, फॉर एग्जांपल इफ ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए एंड बी इज इक्वल टू ए एंड बी, तो क्या होगा, ए यूनियन बी जब बनाई जाएगी तो ये होगा ए कामा बी, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है वो एक मरतबा लिए जाएंगे, ये ए यूनियन बी बन गया। अब जब बी यूनियन ए लिया जाए तो भी इसी तरह होगा कि ए कामा बी यूनियन ए, तो इनमें जो कॉमन है ए वो एक मरतबा लिया जाएगा और बी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन की हम प्रॉपर्टी देखेंगे, तो इसमें भी होती है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। फॉर एग्जांपल ए जो है, सेट ए जो है वो उसमें एक एलिमेंट है ए और बी में दो एलिमेंट है ए बी, तो अब क्या है कि जब इसको हम इंटरसेक्ट करेंगे तो हम सिर्फ दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेंगे जो कि है ए, तो ए इंटरसेक्ट बी क्या होगा, ए। इसी तरह जब बी और ए का इंटरसेक्ट लेंगे कॉमन तो वो भी ए ही होगा, तो इससे ये पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो ये भी बराबर, इसको भी कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट यूनियन। इसमें क्या होगा कि ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट ओवर यूनियन सी। अब मिसाल ले लेते हैं, ए जो है वो बराबर है ए के और बी बराबर है ए बी के और सी बराबर है ए बी सी के, तो ए यूनियन बी जब मालूम करेंगे तो ए यूनियन ए बी यूनियन ए बी सी, तो इनके जो कॉमन होंगे वो एक मरतबा लिए जाएंगे ए बी और बी ए बी सी, तो इनके ये कॉमन आ गए ए बी और सी। और अब आगे चलेंगे तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ए यूनियन बी ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये हो जाएगा ए बी सी। इसी तरह ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी जब लिया जाएगा तो ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इन दोनों के जो कॉमन है वो है ए एक मरतबा और एक ये बी आ गया ए बी यूनियन, और इसका जो है ए बी सी। अब इन दोनों के जो कॉमन है वो ए बी सी, तो इसका मतलब वो क्या कि ये दोनों ए यूनियन बी सी और ए यूनियन बी यूनियन सी आर इक्वल, तो ये हमारे पास हो गया इसका रिजल्ट। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी थ्री सेट है हमारे पास, ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी इक्वल टू ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। अब देखें कि इन तीनों में जो कॉमन है वो ए है, तो हम देखते हैं ए इंटरसेक्ट ए बी इंटरसेक्ट ए सी। अब इनमें जो इंटरसेक्ट होंगे वो क्या होंगे, जो तीनों में कॉमन है वो है ए, तो इसका रिजल्ट ए आ गया। और अगर ए बी इंटरसेक्ट सी निकालते हैं तो भी रिजल्ट ए आता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी इक्वल टू बी ए इंटरसेक्ट बी ब्रैकेट इंटरसेक्ट सी, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव किस तरह होती है कि एक आपका सेट बाहर है और दो सेट आपके ब्रैकेट में है, तो जो बाहर वाला सेट है ये दोनों से मल्टीप्लाई होकर दो सेट अलग अलग ब्रैकेट बनाएगा, यानी ए यूनियन बी उसके बाद इंटरसेक्ट ए यूनियन सी। देखें आप ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों के साथ, इसका रिजल्ट इस तरह से निकलेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और अगर यूनियन हो तो क्या होगा, ए इंटरसेक्ट बी देन यूनियन ए इंटरसेक्ट सी। यहाँ क्या था, ए यूनियन बी ए यूनियन सी, यहाँ होगा ए इंटरसेक्ट बी ए इंटरसेक्ट सी।